सामने जैसे ही ईद पढ़ाने के बाद पीछे देखा और सबको कहते हैं कि ये पीछे वालों की जो है ना नमाज नहीं हुई। और तो और जहेज मुबारक आ गया, ईद मुबारक नहीं आया। ईद मुबारक कार्ड वगैरह मैंने कहा यूट्यूब पे सर्च करके मंगवाता हूँ। इस खुशी में पटास वटास भी फट रहे हैं या पता नहीं PMT फटी है हमारी। पता नहीं है, आपने टेंशन भी लेनी यहाँ पे जनरेटर सिस्टम। भाई साहब आपने ये पिज्जा गर्म तो नहीं है, गलत जगह पे रखा होगा। अच्छा जी, ये ईद शो है और ईद के हवाले से आपको कुछ चीजें बतानी थी यहाँ पर। ये मैं यार, ये जो डायरेक्टर साहब ने माइक सेट किया है ना, तो अजीब है। पहले वो दूसरे वाला माइक होता था तो खोल के फिट करना पड़ता था, अब ये वाला माइक है तो ये डायरेक्टर साहब ने बोला यहाँ से नीचे से ले लो। भाई मुझे नीचे से लेने की आदत नहीं है, क्या कर रहे हो। अच्छा आप वो नीचे से तार लेके जा रहे, तार की जगह पे नाड़ा जाके उधर लगा दिया कैमरे। यार ये अजीब सिस्टम है वैसे। और ईद के हवाले से व्यूअर्स मैं आपको भी बताता चलूँ कि ये स्टैंड अप कॉमेडी शो शुरू हो चुका है, आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। एड्रेस हम आपको दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे। और दूसरी बात ये है कि ईद प्रोग्राम है तो ईद के हवाले से मैंने ईद मुबारक कार्ड वगैरह मैंने कहा यूट्यूब पे सर्च करके मंगवाता हूँ। और ये इस खुशी में पटास वटास भी फट रहे हैं, PMT फटी है हमारी। कुछ पता नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे जनरेटर सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है। और आपको हमारे स्टूडियो का माहौल का पता नहीं है यार, यहाँ पर हम बहुत खर्चा करते हैं। मैंने मंगवाए तो बच्चों की शर्ट्स और ट्राउजर आ गए यार। और तो और जहेज मुबारक आ गया, ईद मुबारक नहीं आया। और ये मैं ईद शो कर रहा हूँ या अपनी पनौती बता रहा हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे ईद पढ़ने गया तो अमूमन ईद पढ़ने के बाद मौलाना के बाद हमेशा कहते हैं ना कि सबको भाई ईद मुबारक हो गया। तो हमारी बारी पे मौलाना साहब ने जैसे ही ईद पढ़ाने के बाद पीछे देखा और सबको कहते हैं कि ये पीछे वालों की जो है ना नमाज नहीं हुई। तो एक पठान बैठा हुआ था, वो मेरी तरफ देखने लग गया। मैंने कहा भाई क्या हुआ, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, ये मौलाना साहब खुद कह रहे हैं, मैंने थोड़ी बोला। फिर मैंने मौलाना साहब की तरफ देखा, मैंने कहा भाई मौलवी क्या कर रहे हो यार, मेरी वजह से सबके भाई सूखों के साथ जो है हरे भी जाते हैं। तो ये वाला सिस्टम है यार। गाइज अगर मैं ऊबर करीम पे कार भी मंगवाऊँ ना तो वेगिन और आती है। तो ये वाला सिलसिला चल रहा है IAC पे, ये मैटर चला। उम्मीद करते हैं आपको हमारा छोटा सा स्टैंड अप कॉमेडी शो पसंद आया होगा। अब हमारे पास नए आर्टिस्ट आने वाले हैं तो वो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए स्माइल विद यूनुस बुलानी चैनल को। जस्ट स्माइल स्टैंड अप कॉमेडी आपकी मुस्कुराहटों के लिए लाए हैं यार। वो आर स्प्रेडिंग स्माइल्स एंड वो आर शेयरिंग स्माइल्स। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।